कोई भी नौजवान जब अपनी प्रशिक्षण के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाता है रिक्रूट बनकर, बाद में भारतीय सेना में तैनात होने के लिए, किस तरह के विचार उसके इंस्ट्रक्टर, उसके प्रशिक्षक उसको ध्यान देने में बार बार उसके दिमाग में ये गढ़ते रहते हैं कि ये विचारधारा सदा आप अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस विचारधारा को मैं सिर्फ 5 शब्दों में दोहराना चाहूँगा, और वो है, हर एक जवान को ये सिखलाई दी जाती है कि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं आपने इन 5 शब्दों को ध्यान में रखना है, और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। तो इन 5 शब्दों पर, इन 5 तत्वों पर एक सैनिक की नींव जड़ी जाती है। ये 5 शब्द इतनी गहराई से उसके दिमाग में बैठा दिए जाते हैं कि जब भी उसे किसी कर्तव्य का पालन करता होता है इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए उसे आगे चलते रहना होता है। और जब तक भारतवर्ष के सैनिक इन 5 शब्दों का अमल करते रहेंगे तब तक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय सेना को के ऊपर अगर कोई बुरी नज़र डालेगा तो उसका नष्ट कर दिया जाएगा। Let's just